हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कुछ सामान खरीदते हैं और आपको सामने वाला यानी दुकान वाला आपको जो बिल देता है तो उसमें आप बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट किया हो, तो इस तरह की एंट्री किस तरह से हम पास करेंगे टैली प्राइम में, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो बाउचर में चलते हैं, ये आ गए बाउचर में। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि टैली जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बिजनेस के पर्पज से यूज होता है, तो आप ऐसा समझिए कि आप शॉप पर हैं और किसी ने आपको पेमेंट दिया तो आप उसको उसके अगेंस्ट में बिल दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए एक एग्जांपल मैं यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर रिसिप्ट बाउचर में आ जाते हैं और कोई एक पार्टी को हम लेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक डेटर पार्टी अविनाश करके, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका 4,870 रुपये करेंट बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4,870 रुपये करेंट बैलेंस शो कर रहा है। तो ये जो पेमेंट है 4,870 रुपये, ये देखिए यहाँ पे मैं 4,870 रुपये डाल रहा हूँ, ठीक है। एंटर जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस पे कर्सर अपने आप आ जाता है, ठीक है। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आ गए। अब यहाँ डेबिट करना है तो हम आमतौर पर यहाँ पे कैश कर देते हैं, लेकिन इस बार हम बैंक अकाउंट रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अल्ट के साथ सी प्रेस करके एक कोटक बैंक का लेजर मैं क्रिएट करता हूँ, कोटक बैंक, ये एक लेजर क्रिएट किया हमने। और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए इसे अंडर बैंक अकाउंट में डाल देंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये बैंक अकाउंट ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ही कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट कर दीजिए और यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर जो भी आपका हो वो डाल देंगे। फिलहाल एग्जाम्पल के लिए मैं एक डमी अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ ब्रांच का नाम वगैरह पड़ जाएगा, तो ये नाम भी आप दे सकते हैं। चेकबुक अगर इशू करना चाहते हैं तो चेकबुक के लिए ये सब डिटेल दी गई है नीचे, ठीक है। तो फिलहाल इसको छोड़ता हूँ, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ। तो ये एक्सेप्ट करा लिया हमने। अब यहाँ पे कोटक बैंक से ये पैसा पेमेंट हो रहा है, देख सकते हैं कोटक बैंक से क्या हो रहा है, ये पैसा पेमेंट हो रहा है। तो एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब अविनाश डी का हम दोबारा से अगर पेमेंट करने जाते हैं, ये देखिए अविनाश जो डेटर पार्टी है, तो इसको हम दोबारा से पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे इनका जो बैलेंस है अब जीरो दिखाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बैंक अकाउंट से भी चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो आई होप कि बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।